इस खाली सड़क की तरह बॉलीवुड में भी विलन्स का अकाल नजर आता है। एक वक्त था जब बॉलीवुड में एक से बढ़कर एक विलन थे और उनके बेहतरीन डायलॉग्स आज भी हमारे कानों में गूंजते हैं। तो आइए जानते हैं बॉलीवुड के वो 10 बेहतरीन विलन जिन्होंने बॉलीवुड पर राज किया था। लेकिन उससे पहले गब्बर सिंह कुछ कह गए हैं, आइए सुनते हैं। 50-50 कोस दूर जब कोई बच्चा यूट्यूब देखता है तो माँ कहती है, बॉलीवुड कैलेंडर सब्सक्राइब कर ले, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अपने समय में बेहतरीन नेगेटिव किरदार अदा किए नसीरुद्दीन शाह ने सरफरोश, मोहरा और डर्टी पिक्चर में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से करोड़ों लोगों के दिल जीते। मजाक था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत फिल्म सारांश से करी थी। 28 साल का होने के बावजूद उन्होंने एक 60 साल के आदमी का कैरेक्टर अदा किया। उन्होंने इस परफॉर्मेंस से अपने एक्टिंग का इंट्रोडक्शन तो इंडस्ट्री में सभी को दे ही दिया था। लेकिन उनका ये सफर यहीं नहीं रुका, उन्होंने और भी कई बेहतरीन कैरेक्टर्स किए और हम कैसे भूल सकते हैं फिल्म कर्मा का विलन डॉक्टर डैंग। अनुपम खेर का ये सफर बॉलीवुड इंडस्ट्री में बदस्तूर जारी है। डॉक्टर डैंग को आज पहली बार किसी ने थप्पड़ मारा है। बॉलीवुड में बैड मैन के नाम से मशहूर गुलशन ग्रोवर, ऐसा लगता है जैसे उनका जन्म ही विलन बनने के लिए हुआ था। उनके बोले हुए डायलॉग, गन्ना चूस के और जिंदगी का असली मजा तो खट्टे में है, आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर रटा हुआ है। गुलशन ग्रोवर ने बॉलीवुड के अलावा हॉलीवुड में भी कई फिल्में करी। इसके अलावा जब भी वो पर्दे पर आते हैं उनकी हंसी उनके कैरेक्टर को और भी खतरनाक बना देती है। ओह, जिंदगी का मजा तो खट्टे में ही है। खाओगे गोलगप्पे? मुझे नहीं लगता कि मुझे या किसी और को भी शक्ति कपूर जी के बारे में कुछ बताने की जरूरत है। फिल्म अंदाज अपना अपना का कैरेक्टर मिस्टर गोगो हम कैसे भूल सकते हैं। ये तेजा तेजा क्या है? ये तेजा तेजा क्राइम मास्टर गोगो पूछ रहा है कि हीरे कहाँ हैं? Where are the diamonds? आजकल हम परेश रावल जी को फिल्मों में कॉमेडी करते हुए देखते हैं, लेकिन 90 के दशक में उनके द्वारा किए गए विलन के कैरेक्टर आज भी उनके कॉमेडी कैरेक्टर पर भारी नजर आते हैं। उन्हें आज भी उनके नेगेटिव कैरेक्टर जैसे कि फिल्म राम लखन, क्रोध और दामिनी में किए गए एक्टिंग परफॉर्मेंस के लिए याद किया जाता है। डैनी सर को बॉलीवुड का स्टाइलिश विलन माना जाता है। उनके स्टाइलिश अंदाज के लिए उन्हें हमेशा याद किया जाता है। फिर चाहे उनकी परफॉर्मेंस की बात फिल्म क्रांतिवीर के चतुर सिंह चिता की हो, अग्निपथ के कांचा चीना या घातक के कात्या की बात हो, उनका स्टाइल हर बार यूनिक था। मगर आज, आज मुझसे पूछे बगैर ये मर गया। प्रेम, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। बॉलीवुड के विलन्स की बात हो और प्रेम चोपड़ा सर का नाम ना हो, ये बात थोड़ी इम्पॉसिबल सी लगती है। प्रेम सर को हमेशा उनकी बॉडी लैंग्वेज के लिए याद रखा गया है। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। कितने विलन थे सुअर के बच्चों। अमजद खान को उनकी फिल्म शोले के लिए याद रखा जाता है। उनके डायलॉग्स आज भी फिल्मों पे कई बार दिखाए जाते हैं और इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने फिल्म नटवर लाल, सुहाग और हिम्मत वाला जैसी फिल्मों में नेगेटिव किरदार अदा किए थे। इस विलन ने 27 जुलाई 1992 को बॉलीवुड और हम सब को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बॉलीवुड के अगर सर्वश्रेष्ठ विलन की बात करें तो अमरीश पुरी साहब का नाम सबसे पहले आता है। उनका बोला हुआ वो डायलॉग मोगैम्बो खुश हुआ आज भी हमें याद है। रुबीली आवाज का धनी ये एक्टर 12 जनवरी 2005 को हम सभी को छोड़ इस दुनिया से चला गया और दे गया 400 फिल्में और ना भूलने वाले किरदार। मोगैम्बो
खुश हुआ। अपनी एक्टिंग के दम पर अगर किसी विलन ने हीरो के कैरेक्टर को छोटा करके दिखाया तो वो थे प्राण साहब। प्राण साहब अपने हर कैरेक्टर को यूनिक तरीके से करते थे, फिर चाहे फिल्म राम और श्याम हो, पूरब पश्चिम हो या फिर जंजीर के शेर खान हो, उन्हें उनके बेहतरीन डायलॉग डिलीवरी के लिए भी याद रखा जाता था। समझे बरखुरदार? नहीं साहब, गला खराब हो जाएगा, घंटी बजाओ और हवलदार को बुलाओ और कहो कि शेर खान को बंद कर दे। तो ये थे बॉलीवुड के 10 बेहतरीन विलन। आप हमें बता सकते हैं कि आपके इनमें से फेवरेट विलन कौन थे। बॉलीवुड से जुड़ी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए bollywoodcalendar.com। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।